الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے बड़ा मुबारक महीना है, खैर व बरकत वाला महीना है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करना चाहिए। दिन का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज किया है, इस महीने का रोज़ा अल्लाह तआला ने फ़र्ज किया है, इसलिए हम इस महीने में रोज़ा रखते हैं। और जिस तरीके से हम रोज़ा रख कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, एक इबादत अल्लाह ताला ने रात में भी हम लोगों के लिए रखी है, वह है तरावी की नमाज। तरावी की नमाज वाजिब नहीं है, ये एक नफली नमाज है, सुन्नत है हमारे लिए। हम इस महीने में तरावी की नमाज, जिसको हम क़ियामुल लैल भी कहते हैं, उसको भी अदा करें, उस पर बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह। जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया, यानी रात को नमाज़ें पढ़ीं, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मन काम रमज़ान यानी रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ते हुए क़याम किया है, नमाज पढ़ते हुए क़याम किया। ईमानन यानी अल्लाह ताला की जानिब से इस अमल पर किए गए सवाब के वादों पर ईमान रखते हुए कि हम इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर अजर व सवाब देगा। एहतिसाबन, मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन यानी हुसूल अजर मकसूद हो, रियाकारी और दिखलावा मकसूद ना हो, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी छोटे गुनाह सगीरा गुनाह उससे इससे माफ़ हो जाते हैं। तो इसमें हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जब इतना अजर व सवाब है तो उसे हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हम जब तरावी की नमाज़ पढ़ें तो इमाम के साथ पढ़ें, और जब इमाम ख़त्म करे तभी हमें ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं कि बीच में हम छोड़ के चले जाएं। बाद लोग दो रकात चार रकात पढ़ते हैं चल देते हैं, और बाद लोग वितर की नमाज़ नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए पूरी नमाज़, इमाम के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके इमाम तिर्मिज़ी और दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है और जिसको शेख अल्बानी ने सही कहा है, मन काम माल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहु क़ियामु लैला। जो आदमी इमाम के साथ क़्याम करे यानी नमाज पढ़े, फिर हत्ता यंसरिफ यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज से मुनसरिफ हो जाए यानी नमाज मुकम्मल कर लें, तो उस आदमी के लिए रात का क़याम लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम लिखा जाता है। यानी इमाम के साथ तो आप एक घंटा निसफ सा या कुछ ज़्यादा आप रहते हैं, और इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी रात क़याम करने का सवाब लिखता है। लेकिन अगर आप इमाम को बीच में छोड़ के चल देते हैं तो फिर आप इस अजर से महरूम हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ आखिर तक रहना चाहिए, आखिर तक रहना चाहिए। इसी तरह से एक मसला ये है कि तरावी की रकात कितनी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में बड़ी मशहूर रिवायत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फी रमज़ान वला फी गैरी अला इहदाशर रकअ। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ग्यारह रकतें पढ़ते थे, यानी आठ रकात क़ियामुल लैल या तरावीह और तीन रकात वितर। अच्छा, बाद लोग इस गलतफहमी में मुतला हो गए हैं, कहते हैं कि तरावी की नमाज अलग है, तहज्जुद की नमाज अलग है, दोनों एक ही है। तरावी तो क़ियामुल लैल को तरावी नबी के ज़माने में कहा ही नहीं जाता, तो ये तो बाद में ये नाम दिया गया है तरावी का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही तरावी है, वही क़ियामुल लैल है, वही तहज्जुद है। अलग से ये अलग नाम ये नहीं माना बता, ये नहीं, इससे ये मतलब नहीं है कि ये सब नमाजें अलग हैं, अलग नहीं है। और इसी बात का एतराफ़ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने भी किया है कि मेरी नज़र में क़ियामुल लैल, तहज्जुद और तरावी सब एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जो ये कॉल मंसूब किया जाता है कि आपने 20 रकात तरावी का हुक्म दिया, ये कॉल सही नहीं है। बल्कि जो कॉल सही है और मुत्ता इमाम मालिक के अंदर जो हदीस मौजूद है और जिसकी इसनाद भी सही है, उसमें ये है कि अमर उमर इब्न खत्ताब उबई इब्न काबिन व तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह अन्हुम अन यकूम लिन्नस बे 11 रकअ, यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उबई इब्न काब और तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया कि लोगों को 11 रकात नमाज पढ़ाएं, 11 रकात नमाज पढ़ाएं। ये रिवायत भी सही है और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है। तो तरावी के सिलसिले में जो राजे बात है वो यही है कि 11 रकात है, यानी 8 रकात तरावी और 3 रकात वितर है, और इसी का हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान में, इसलिए कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि रमज़ान में अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी, तो हज़रत आयशा कहती हैं रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो, हमेशा अल्लाह के नबी 11 रकात पढ़ते थे, 11 रकात से ज़्यादा नहीं करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज हज़रत आयशा ने बताई रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी। तो यही सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी 8 रकात से ज़्यादा पढ़ता है तो नफिली नमाज है, कोई बात नहीं, पढ़ सकता है, यानी 10 से ज़्यादा जितना भी चाहे पढ़ सकता है। लेकिन सुन्नत यही है 8 रकात, अल्लाह के नबी का अमल 8 रकात, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हुक्म दिया दोनों सहाबा को, हज़रत उबै बिन काब तमदारी को, वो 8 रकात का हुक्म दिया। तो सुन्नत यही है, इसलिए इसको बिदत नहीं कहना चाहिए। बाद लोग इसको गलत कहते हैं नहीं ये तो गलत है। गलत कैसे भाई, नबी का अमल है, कैसे गलत है? जो अमल नबी का वो गलत हो सकता है? और यही हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया। हाँ, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत का तरीका यही है 11 रकात का, इसलिए सुन्नत को अपनाना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। इसी में हम लोगों के लिए खैर और बरकत है। लेकिन आज के ज़माने में लोग 8 रकात तरावी से कतराते हैं और उसको तरह तरह का नाम देते हैं, और जो चीज़ नबी से साबित नहीं है उसको कहते हैं वही सुन्नत है। इसलिए हम लोगों को हक बात बोलना चाहिए और लोगों को झूठी बात बता करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यही तरीका सही है। और दूसरे तरीके जो है ईजाद किए गए हैं लोगों की तरफ से। तो मेरे भाई और दोस्तों, रमज़ान हो कि गहरे रमज़ान हो, अल्लाह के नबी से 11 रकात से ज़्यादा साबित नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है
और एक चीज़ और कि जो लोग इस गलत फहमी में लोगों को मुतला करते हैं कि नहीं तहज्जुद, तरावी और क़यामुल लैल ये अलग अलग नमाज़ें हैं, तो ये अलग अलग नमाज़ें नहीं हैं मेरे भाई, सब नमाज एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। और इसी की तरफ गए हुए हैं अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह कि सब नमाजों के, अगर से नमाजों के नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही नमाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हक बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين।